देखो काफी अच्छा लगता है कि वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में एक लौते ऐसे एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए, और आज मैंने उनको ज्वाइन किया है तो एक बहुत एक सपना सा लग रहा है, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड और वो भी मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, तो एक सच में बहुत खुशी हो रही है। और हम ऐसे सोचते थे कि यार अभिनव बिंद्रा जी ने कितना बड़ा काम किया है, उन्होंने गोल्ड जीता है, तो आज उनके साथ खड़ा हूं तो काफी अच्छा लग रहा है। और सच में उन्होंने एक सोच जो है इंडिया की खोल ली थी कि हाँ हम भी गोल्ड जीत सकते हैं ओलंपिक लेवल पे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, तो बिल्कुल वो उनका काफी योगदान रहा इस चीज में, और उसी से उसी को शायद हम उसी के कदमों पे शायद उन्हीं कदमों पे शायद मैं भी चला हूँ आज खड़ा। जी सर बिल्कुल, मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी मेडल है तो बिल्कुल एक अलग फीलिंग है और अच्छा लग रहा है। देखो वो ऐसे हम जेवलिन में ऐसे बता नहीं सकते कि हाँ ये अब गोल्ड आ गया है, क्योंकि कोई भी थ्रो उससे आगे फेंक सकता है, तो हाँ ये जरूर था कि मुझे अपना बेस्ट फील हुआ था कि हाँ मेरी बेस्ट गई है, ये ऐसा मन में कुछ नहीं आया था कि हाँ गोल्ड कंफर्म हो गया है। वो मैं फिर भी और अच्छा उससे और अच्छा थ्रो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाँ वो सेकंड थ्रो में मुझे फील हो गया था कि हाँ मेरी बेस्ट थ्रो है। देखो जकार्ता एशियन गेम्स और यहाँ पे ओलंपिक गेम्स है, शायद ओलंपिक गेम्स से बड़ा कुछ होता नहीं है, तो सबसे बड़े गेम्स में हमने गोल्ड जीता है, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर है एशियन गेम्स में और अभी ओलंपिक गेम्स में, तो काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अब बोलते थे अब शायद अब नहीं बोल सकते क्योंकि अब हमने मेडल तो क्या गोल्ड जीत लिया, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों की दुआएं हैं कि ये आज ये हो पाया, क्योंकि अकेला आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता, ये सभी की दुआएं हैं, एक पॉजिटिव फोर्स होती है और जो भी है कोचिज है स्पोर्ट्स स्टाफ है उनका सभी का साथ रहा, तो उसकी वजह से हम ये जीत पाए हैं। जी बिल्कुल, पिछले 3-4 साल से हमारा कैंप भी बाहर जा रहा मतलब बाहर जा रहा है, हम बाहर जाते हैं कैंप में और फॉरेन कोचेस भी है हमारे पास और काफी फैसिलिटी और टॉप्स है और साई की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और साथ में हम बाहर जाते हैं, फेडरेशन ने फॉरेनर कोच हमारे लिए बुला रखे हैं, तो सभी तरह से पूरा सपोर्ट मिल रहा था, और वही है कि हमें लगता है कि हमने भी शायद उस सपोर्ट का ठीक से फायदा उठा के हमने भी अच्छा रिजल्ट दिया है, और मैं यही आशा करूंगा कि ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे और आगे भी हम अपना ऐसे ही अच्छा करें। अभी पता नहीं जी, अभी मैं इंडिया आऊंगा तब पता चलेगा, बाकी मैं तो कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके और थोड़ा फ्री हो के थोड़ा घर पे टाइम दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर दूं। नहीं वो जेवलिन की स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है कुछ, वो हम अपने जेवलिन के उसके तरीके से ही करते हैं। हाँ वो शायद कुछ ज्यादा बैंड कर रखे हैं मैंने, इतना बैंड करना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो मैंने सिर्फ ऐसे देखने के लिए कि हाँ कितना मैं कर सकता हूँ, तो वो ऐसे नॉर्मल ऐसे वीडियो बना ली थी, लेकिन हाँ वो जेवलिन की जो हम जेवलिन थ्रो करते हैं उसकी अलग अलग पार्ट की अलग स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज होती है, तो वो हम करते हैं और वो रियल वीडियो है। रिस्पेक्ट होती है अपने फ्लैग की, वो बहुत जरूरी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।